हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है क्रोचेटिंग लुक्स में। मैं हूं अंजन। बहुत दिनों बाद आया हूं दोस्तों फिर से एक फेशियल वीडियो में, क्योंकि इतने दिन मैं थोड़ा बिजी था, क्योंकि यूट्यूब का एक चैनल है, इसका म्यूजिक वीडियो बनाना था, एडिटिंग करना था, तो आज मैंने उसको कंप्लीट करके काम करके दे दिया। तो अभी रात के 11 बजे तो मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो अब ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोस्तों ट्रेलर दिखाया था कैसे दोस्तों 3 कलर के ऊपर बेस करके आपको कलर ग्रेडिंग करना है। दोस्तों जैसे हॉलीवुड बहुत सारे मूवीज आपने देखे होंगे, सिर्फ 3 कलर के ऊपर बेस्ड उनका कलर ग्रेडिंग होता है। डज नॉट मैटर कि कोई भी कलर हो, मतलब सिर्फ 3 कलर, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। तो मैं थोड़ा बहुत अभी आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो एक ऐड का मैंने वीडियो बनाया था, एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग किया था, वो R6 का क्लिप था। तो R6 का क्लिप के ऊपर मैं आती आपको दिखा दूँगा कलर ग्रेडिंग कैसे करना है। 3 कलर बेस्ड रूल्स है ये, मतलब 3 कलर, ओनली 3 कलर को ही आपको ऐड करना है कलर ग्रेडिंग के ऊपर, और कोई कलर आप ऐड नहीं कर सकते। ऊपर से को कैसे कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट करना है सब कुछ मैं दिखा दूंगा दोस्तों। चले वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 कलर आपको शो करेगा। यहाँ पे देखिए स्काई पे क्या है, स्काई पे है ब्लू कलर, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लू कलर है। स्किन पे देखिए, स्किन पे ऑरेंज कलर है। स्किन पे एंड डेजर्ट पे, ये डेजर्ट इलाका है। आपने अगर मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखा होगा, जो मेरा बहुत ही फेवरेट फिल्म है, तो आपको पता चलेगा ये डेजर्ट है। डेजर्ट एंड स्किन पे सेम कलर, ऑरेंज कलर, मतलब ये डीप ऑरेंज कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड ये जो ड्रेस है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे 3 कलर का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये और एक मेरा फेवरेट फिल्म है जॉन विक, ये आपने अगर देखा होगा तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कलर कितना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी आपको 3 कलर ही मिलेगा। ये देखिए ग्रीन एक, रेड यहाँ पे है 2, एंड ये जो येलो कलर मतलब ऑरेंज कलर है ये नंबर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीन, रेड एंड येलो देखा। एंड ये जो फेस के ऊपर कलर है, ये थोड़ा रेड एंड येलो मिक्सचर होकर रेड फेस के ऊपर ऐसे कवर किया है कलर ग्रेडिंग में। तो बहुत ही कमाल का ये फिल्म है, आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। यही मैंने कोशिश की कि ये जो कलर था, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कलर था वायलेट, इसको मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्काई ब्लू था एंड इसको मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है ना। एंड पीछे ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऑरेंज कलर था, इसको मैंने रेड येलो कलर कर दिया, ठीक है ना। तो यही ट्यूटोरियल मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो देख लेते हैं वीडियो है दोस्तों। तो ये है वो क्लिप, मैं आपको अभी दिखा दूंगा दोस्तों कैसे आप 3 वे कलर यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कौन सा कलर, यहाँ पे वायलेट है, ये थोड़ा सा येलो की तरफ है, यहाँ पे स्काई ब्लू है, ठीक है ना, पीछे ये सब येलो है, यहाँ पे थोड़ा सा रेड है, ठीक है ना। एंड हाईलाइट मतलब इस साइड से लाइट आ रहा है, ये एड का शूट था, मतलब इस साइड से लाइट आ रहा है, मतलब यहाँ पे लाइट है, ठीक है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। पीछे ये जो साइड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा शेडो एरिया है, ठीक है ना। पीछे यहाँ पे लाइट है, आप देख सकते हैं ये लाइट है, ये भी लाइट है दोस्तों, देखिए, ठीक है ना। तो मुझे अभी ये जो कलर है वायलेट कलर, इसको चेंज करना है, ये स्काई ब्लू वाला कलर चेंज करना है। मैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 3 कलर पे ही कलर ग्रेड करके आपको दिखाऊंगा, जैसा हॉलीवुड की हर एक फिल्म में आपको दिखाया जाता है ना, सिर्फ 3 कलर ही यूज़ होता है, ठीक है ना। कोई भी कलर हो सकता है, डज नॉट मैटर कि कोई आपका पसंदीदा कलर हो, सिर्फ 3 कलर यहाँ पे होगा। आप देखिए, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। एंड ये है आफ्टर, देखा दोस्तों। एंड आफ्टर में देखिए, ये मैंने ब्लू कलर कर दिया, ये ग्रीन कलर, ये येलो है ना, तीनों कलर यहाँ पे, 1, ये 2 एंड ये 3, सिर्फ 3 कलर यहाँ पे है। प्लस उसके साथ देखिए दोस्तों, शेडो है यहाँ पे, यहाँ पे लाइट यहाँ से आ रहा था बाहर से, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, पूरा हाईलाइट मिड टोन शेडो परफेक्ट है। इस साइड पे ये ब्लैक कलर का पैंट है, एकदम परफेक्ट ब्लैक कलर है। यहाँ पे दोस्तों वाइट कलर देखिए, एकदम परफेक्ट वाइट कलर है। तो कैसे ऐसे ही 3 वे कलर, 3 कलर से ही आप कलर ग्रेडिंग करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों कैसे। दोस्तों एक मिनट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऐड का मेरा, मैंने एक ऐड पे काम किया था, तो उसका ही मैं ये क्लिप पे, मुझे अच्छा लगा कि इस क्लिप के ऊपर मैं एक अच्छा ट्यूटोरियल बना सकता हूँ दोस्तों आपके लिए। तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा दोस्तों कैसे आप सिर्फ 3 कलर को यूज़ करके ही
एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव कुछ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये कोई इंसान नहीं है, बस एक ड्रेस है, लेकिन ये ही सब्जेक्ट है क्योंकि ये हाईलाइट है, मतलब सब फ्रेम के सामने ये है, ठीक है ना। जो शेडो है इसको नीचे लेके चलूँगा ऐसे, यहाँ पे शेडो को ऐसे नीचे लेके चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर ए परफेक्ट एक कॉन्ट्रास्ट लुक ऑलरेडी क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, स्कोप्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शेडो नीचे और भी थोड़ा सा जा सकता है, ऊपर से हाईलाइट भी आएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक नोट और लूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों शेडो जो है, शेडो को मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलूँगा ऐसे, एंड हाईलाइट को मैं थोड़ा सा और नीचे लेके चलूँगा यहाँ पे, ताकि मेरा जो कलर है एकदम बैलेंस हो जाए। एंड यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट कर दूंगा, थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रास्ट लुक चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लूँगा कि सैचुरेशन कितना है, सैचुरेशन ठीक है तो सैचुरेशन थोड़ा सा मैं दे दूँगा यहाँ पे। ओके, परफेक्ट है, बॉक्स के बाहर ना जाए यही देखना है, एकदम परफेक्ट है सैचुरेशन, ठीक है। अभी काम एक ही है, वो है क्वालिफायर की। मैं आपको आज क्वालिफायर में 3D क्वालिफायर को भी काम करना सिखाऊंगा, एंड जो नॉर्मल क्वालिफायर है, जो HSL क्वालिफायर है, इसके ऊपर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे दोस्तों क्वालिफायर को चूज़ करना है हर एक कलर के ऊपर। तो पहले हाईलाइट को ऑन कर देते हैं, एंड जो वायलेट कलर है सिर्फ इसको ही चूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा वायलेट कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा कुछ नहीं करना, पी फिल्टर इन ब्लैक क्लीन वाइट ब्लर कर देंगे यहाँ पे। ब्लर मैं 10% रखूँगा, एंड यहाँ से दोस्तों डीनॉइस, ठीक है ना, डीनॉइस करना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे वायलेट कलर था परफेक्ट सिलेक्शन हो गया। पहले से देखते हैं दोस्तों नोट को, देखिए वायलेट कलर जो था परफेक्ट सिलेक्शन है, ये देखिए जहाँ पे भी वायलेट कलर है परफेक्ट सिलेक्शन है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरा हीरो फ्रेम था, कहाँ पे था, यहाँ पे था शायद, ये मेरा हीरो फ्रेम था। एंड देखिए दोस्तों वायलेट कलर सिलेक्ट हो गया, हाईलाइट को बंद कर दूंगा, ओके। एंड जो अभी आप एक काम कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि आपका यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो आप यहाँ से भी इसको डीसिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका मर्जी है। आपको नहीं चाहिए तो इसको डीसिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ वायलेट कलर ही चाहिए, ओके ठीक है। तो अभी वायलेट कलर तो हो गया, इसको मैं चेंज कर दूंगा, कौन से कलर पे चेंज कर दूंगा वो देखिए। वायलेट कलर यहाँ से दोस्तों गामा पे चलते हैं, एंड मैं थोड़ा सा ब्लू की तरफ लेके चलूँगा, हो गया। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर परफेक्ट, यहाँ पे पहले से देखते हैं दोस्तों, ये देखिए वायलेट कलर जहाँ पे भी था वहाँ पे परफेक्ट कलर हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा हीरो फ्रेम था, ओके। अभी नेक्स्ट और नोट लेते हैं यहाँ पे, फिर से क्वालिफायर, लेकिन अभी 3D क्वालिफायर पे चलना पड़ेगा। ये परफेक्ट येलो कलर मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, यहाँ से भी दोस्तों येलो कलर को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए परफेक्ट, देखिए हर एक येलो कलर यहाँ पे चूज़ हो गया, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, अभी प्री फिल्टर क्लीन ब्लैक, मतलब हर एक एज को मुझे क्लीन करना है, क्लीन वाइट। यहाँ पे दोस्तों ब्लर करना ज़रूरी है, मैं 10 तक ब्लर को रखूँगा, 10% तक, ओके। एंड डीनॉइस करना ज़रूरी है, मैं डीनॉइस भी कर दूंगा यहाँ से दोस्तों। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है ये रेड कलर है, रेड कलर चूज़ नहीं हुआ, सिर्फ येलो कलर ही चूज़ हुआ, ठीक है। मैं पहले से देख लूँगा और एक बार क्योंकि परफेक्ट सिलेक्शन हुआ कि नहीं। लाइट भी मैं देख रहा हूँ डीसिलेक्ट है, परफेक्ट है, लाइट को मैं सिलेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो कलर सिलेक्ट हुआ, अभी मुझे चलना पड़ेगा यहाँ पे कलर वार्पर पे, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यहाँ पे, एंड इसको कर दूंगा 12, एंड HSL कर्व्स ऑलवेज। अभी ये जो कलर मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा येलो टोन की तरफ लेके चलूँगा ऐसे। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा येलो फ्लेवर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एंड इसके बाद दोस्तों और एक नोट लूँगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्वालिफायर का यही कमाल है, ठीक है ना। फिर से एक नोट लूँगा, अब भी देखिए कमाल है, जो मेरा सब्जेक्ट है इसको अभी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी इसी
जो HSL क्वालिफायर है इसी से मैं चूज़ करूँगा, जो मेरा स्काई ब्लू कलर है। देखिए दोस्तों ये रहा स्काई ब्लू कलर, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा परफेक्ट सिलेक्शन है, ब्लर कर दूँगा यहाँ पे। ब्लर करना बहुत ही ज़रूरी है एंड डी नॉइस उसके बाद ऑलवेज। तो देखिए दोस्तों मेरा जो स्काई ब्लू है पहले से देख लूँगा परफेक्ट सिलेक्शन है, यहाँ पे ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ क्वालिफायर पे ही चूज़ किया है, ठीक है ना। तो देखिए सिर्फ स्काई ब्लू सिलेक्ट हुआ, पीछे कोई भी जगह पे स्काई ब्लू है ही नहीं जो सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा हीरो फ्रेम है, इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। जो स्काई ब्लू है दोस्तों इसको मैं कलर को चेंज करूँगा यहाँ से, यहाँ पर चल के, ठीक है ना। तो इसको एक लाइट कलर यूज़ करना होगा, जो पीछे बैकग्राउंड जो डीप कलर मैंने यूज़ किया उससे लाइट कलर होना चाहिए। तो इसका मैं ग्रीन कलर को ऐड करूँगा यहाँ पे। तो ग्रीन कलर ऐड करना यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्लू को थोड़ा सा नीचे लेके चलना पड़ेगा ऐसे, ग्रीन को थोड़ा सा ऊपर उठाना, एंड जो रेड है रेड को भी नीचे ऐसे लेके चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है अभी देखिए दोस्तों बिफोर ये क्या था एंड आफ्टर, देखा मेरा स्काई ब्लू जहाँ पे था वहाँ पे मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर से एक नोट लूँगा एंड यहाँ पे चल के मैं ये जो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो डिज़ाइन है ना इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसका लाइट बहुत ज़्यादा है, इसका लाइट कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चल के मैं डिज़ाइन जो है इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों डिज़ाइन मेरा सिलेक्ट हो गया परफेक्ट। अभी दोस्तों इसका जो डीनॉइज है इसको भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा एंड यहाँ से प्री फिल्टर क्लीन ब्लैक क्लीन वाइट ब्लैक क्लिप एंड रेडियस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लर करना ज़रूरी है। अभी ये पीछे वाला हिस्सा सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, मैं जस्ट इसका जो लाइट है मतलब हाईलाइट एरिया है वो मैं कम कर दूंगा। इसका हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा है तो मैं हाईलाइट को नीचे लेके चलूँगा यहाँ पे। बिफोर बहुत ही ज़्यादा लाइट था एंड आफ्टर थोड़ा सा मैंने इसका लाइट कम कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे कॉन्ट्रास्ट और लुक चाहिए, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर मतलब लाइट है, ठीक है ना। तो लाइट को भी ठीक करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एडिटेबल स्पाइंस को ऑन कर दूंगा एंड यहाँ से शैडो एरिया को मैं नीचे लेके चलूँगा। यहाँ पे मैं शैडो को नीचे लेके थोड़ा सा मैं नीचे लेके ऐसे चलूँगा यहाँ पे, ओके। तो देखिए थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट होगा और ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों बिफोर ये क्या था एंड आफ्टर, देखा कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट हुआ। एंड उसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट को मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मुझे हाईलाइट नहीं चाहिए, मतलब लाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा रखना ज़रूरी है। ग्लो को मैंने ऐड कर दिया एंड यहाँ से सॉफ्ट लाइट एंड यहाँ से शाइन थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लेके चलूँगा, ठीक है ना। एंड जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलूँगा यहाँ पे। बिफोर ये लाइट यहाँ पे ज़्यादा नहीं था एंड आफ्टर, ठीक है ना। एंड दोस्तों जो की है यहाँ पे चल के ये जो ऑपोसिटी का काम करता है, तो यहाँ से थोड़ा आप ऑपोसिटी जो है गेन को कम कर सकते हैं। बिफोर क्या था देखिए दोस्तों एंड आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर परफेक्ट। ए रॉक एक दोस्तों और एक नोट लूँगा यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि कलर बहुत ही ऊपर है तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट पे चल के कलर को नीचे लेके चलूँगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों मेरा स्कोप्स देखिए, नीचे एकदम ही बैक परफेक्ट शेडो है, हाईलाइट परफेक्ट है, मतलब हर एक चीज़ मेरा यहाँ पे परफेक्ट है, कोई भी नॉइज़ बिल्कुल नहीं है। मैं और एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है इसको मैं थोड़ा सा विंडो का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ग्रेडियंट विंडो है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा ताकि थोड़ा सा और ग्रेडियंट हो जाए, ये साइड थोड़ा सा शेडो हो जाए। तो मैं पहले से देखूंगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। एंड इसको ही कलर ग्रेड करना बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों आपका कोई भी लुक क्रिएट करने के लिए। ये एट का लुक था, ये पहले बिफोर क्या था देखिए दोस्तों, क्या ये एट का लुक लग रहा है आपको, लेकिन आफ्टर मैंने क्या किया देखिए दोस्तों, एंड आफ्टर देखिए दोस्तों, ये परफेक्ट ग्रेडिंग फॉर द एट। कोई भी ऐड आप अगर ऐड पे हो या फिर
कोई भी दोस्तों ऐड पे काम कर रहे हो या पे म्यूज़िक वीडियो, कलर ग्रेड बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो जो आप कलर ग्रेड करना चाहते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा मेरे ईमेल पे। है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए थैंक यू सो मच।